प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को और आपके माध्यम से जो बिहार के नागरिक हैं उनको अवगत कराएंगे कि जो साइबर क्राइम हो रहा है और जिसके आलोक में 44 साइबर पुलिस स्टेशन बर्पित रूप से उनका नोटिफिकेशन हुआ है और आज की डेट में वो सभी कार्यरत हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, वहाँ पर जो स्टाफ है उनको प्रशिक्षित करने के लिए हमारे स्तर से क्या प्रयास हो रहा है, और इसी क्रम में जो विगत 2-3 महीनों में बहुत अच्छे अच्छे केसेस आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अनुसंधानित किए गए हैं, डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें बिल्कुल ही नवाचार वाले इनोवेटिव मोडस ऑपरेंडी अपराध शैलियाँ जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनके द्वारा उनका इस्तेमाल किया गया था। और आज का हम लोगों का मकसद भी यही है कि उन केसेस की हम आप लोगों को ब्रीफली हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जानकारी देंगे आपको, ताकि नागरिकों को पता चले कि किस प्रकार की अपराध शैलियों का इस्तेमाल करके साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और आम नागरिकों को उनकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, उनसे डिफ्रॉड किया जा रहा है और अन्य प्रकार के साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है। सबसे पहले क्योंकि साइबर क्राइम जो आज की डेट में सबसे उभरता हुआ आयाम है, अगर हम लोग इसका रिपोर्टिंग देखें तो जो पारंपरिक हम लोगों का क्राइम था उसका लगभग 10-15% आज की डेट में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो साइबर अपराध की ही रिपोर्टिंग हो रही है, चाहे वो कंप्लेंट के रूप में हो, चाहे वो औपचारिक FIR के रूप में हो। तो इसी सोच के तहत 44 साइबर पुलिस स्टेशन को स्थापित किया गया था। इस पे जितना भी स्टाफ है उसको प्रशिक्षण देने के लिए पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार की बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसने भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था 1988 में, उसके साथ आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा टाई अप किया गया है। उनके द्वारा 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। पहली कार्यशाला कल ही इनॉग्रेट हुई है 11 सितंबर 2023 को, और इसमें कुल 290 पदाधिकारियों को जो कि साइबर थाना में पदस्थापित हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा साइबर अपराध के अनुसंधान से संबंधित, साइबर फोरेंसिक से संबंधित और साइबर क्राइम से जुड़े जो अन्य आयाम होते हैं। तो इसके लिए जो टीम है वो पटना के सेंटर से और केरल में त्रिवेंद्रम है जहाँ पे CDEC का जो मेन सेंटर है साइबर क्राइम का, वहाँ से भी विशेषज्ञ आके वर्तमान में इनको ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं, ये ट्रेनिंग अभी चल भी रही है। इसके अलावा हम लोगों के यहाँ से और भी प्रपोजल्स हैं कि हम लोग जो BPRD है उनके भी जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं और सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा उनका संचालन किया जाता है, उनके साथ भी हम लोग भविष्य में टाई अप करने के लिए जा रहे हैं। और हम लोगों का प्रमुख लक्ष्य है कि केवल साइबर थाना के स्टाफ और पदाधिकारियों के तक ही इसको सीमित नहीं रखा जाए, बल्कि अधिक से अधिक जो थाना, क्योंकि साइबर जो क्राइम है जो ज्यूरिसडिक्शनल थाना है, लोकल थाना में भी रिपोर्ट होते हैं, उनके भी पदाधिकारियों को और कर्मियों को इसमें बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि आज की डेट में इसका रिपोर्टिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्थापना की है। जैसे आप सभी अवगत हैं, आप सभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे हैं, ज़िला में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होता है, DIU होता है, और आप सभी जानते हैं कि जो जितने भी सेंसेशनल क्राइम होते हैं, महत्वपूर्ण क्राइम होते हैं, उनके उद्भेदन में, गिरफ्तारियों में DIU का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उसी सोच के तहत यहाँ पे साइबर इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई है। आर्थिक अपराध इकाई में 1930 हेल्पलाइन चलता है जिसमें जो भी साइबर रिपोर्टिंग करना होता है, और जैसे पिछली बारी हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए थे कि बिहार में 100% कॉल्स को हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो कि एक उपलब्धि है बिहार की जनसंख्या और क्राइम जो रिपोर्टिंग हो रही है उसके अनुपात में। तो उसमें हम लोग एक ये जो साइबर इंटेलिजेंस यूनिट का टीम हम लोगों का है, किस प्रकार के कॉल्स आ रही हैं, उसमें किस प्रकार का हम लोगों को अपराध शैलियाँ बताई जा रही हैं, उसका विश्लेषण किया जाता है, और उस विश्लेषण के आधार पर हम लोग चिन्हित करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं या कौन से ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं या कौन सी ऐसी अपराध शैलियाँ हैं जिसका सबसे अधिक रिपोर्ट हो रहा है। फिर उन सभी कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोग यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और फिर विशेष ऑपरेशन करके ऐसे गैंग्स को हम लोग बस्ट करते हैं। तो इसी साइबर इंटेलिजेंस यूनिट जो कि पूर्ण रूप से तकनीकी विश्लेषण किया है, जो NCRP पोर्टल पे जो कंप्लेंट्स आई हैं हमारे पास और 1930 पे जो कॉल्स आई हैं उसमें अपराध शैलियों का विश्लेषण किए करके जो 3 गैंग्स का हम लोग आज आपको जानकारी देंगे, SP साहब जानकारी देंगे, जिनका उद्भेदन किया गया,
उनसे रिकवरीज भी हुई और उनकी अपराध शैलियाँ क्या थी उसके संबंध में आज की प्रेस वार्ता में हम आप लोगों को जानकारी देंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही है, आगे का मैं अनुरोध करूंगा पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई श्री सुशील कुमार जी से कि वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे साइबर अपराध। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।